हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैप चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आपको हेटर्स के बारे में पता होगा। जी हाँ दोस्तों, हेटर्स आपकी वीडियो वायरल होने से रोक देते हैं। कैसे ये सब करते हैं और बहुत लोगों को आपने देखा होगा, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो सकता है कि आपके फैंस आ रहे हैं लेकिन आपके मेन जो वहाँ पे होता है काउंट नहीं होता है, बल्कि आपके फैंस घट रहे होते हैं। डेली फैंस आपके 10-20 आते हैं लेकिन वहाँ पे काउंट ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बता दूंगा क्यों हो रहा है और कैसे हेटर से बचा जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, मैं अपने टिकटॉक प्रोफाइल पर चलता हूँ और आपको वहीं पर बताता हूँ किस तरह से आपको हेटर से बचना है और क्या क्या रूल्स हैं जो कि आप इसे फॉलो करके अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं और रैंकिंग में भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने टिकटॉक प्रोफाइल पे आ गया हूँ। मेरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मैफ आलम है, और यहाँ पे मेरे जो फॉलोवर्स हैं देख सकते हैं 11.6K हैं, मेरे हार्ट्स कितने हैं। और यहाँ पे मैंने 4 वीडियो डाला, इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो डाला था, सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ 4 ही मेरे पे हैं। और ये 2 वीडियो मैंने अभी आपको रिसेंटली बना के दिखाने के लिए इसको बनाया है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वीडियो प्ले कर लिया, अब देख सकते दो, मैं इसको खुद ही प्ले किया हूँ और खुद ही देख रहा हूँ लेकिन इस पर कोई भी व्यूज़ नहीं है। ऐसा क्यों होता है और ना ही इस पर भी ज़्यादातर व्यूज़ हैं। हेटर्स क्या करते हैं, आपकी वीडियो को बार बार प्ले करके देखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की वीडियो प्ले करके बार बार देखते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी, कभी भी सजेशन में नहीं आएगी और कभी भी रैंकिंग में नहीं आएगी। ऐसे में क्या होता है, हेटर्स क्या करते हैं दोस्तों, आपकी वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे, बार बार प्ले करके देखेंगे और वो रेटिंग में आने से रुक जाता है, वायरल होने से रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, यूट्यूब का, टिकटॉक का, सभी का सिस्टम ऐसा रहता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए उनका सिस्टम ये है कि अगर आपकी कोई वीडियो अपलोड किया तो वो वीडियो पे 100 व्यूज़ आए तो कम से कम 30 लाइक्स आना चाहिए, ताकि उनको लगे कि ये फेक नहीं, एक ही बंदा नहीं देख रहा है और सारे लोग देख रहे हैं, रियल मतलब व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर 30 लाइक 40 लाइक आते हैं तो आपकी वीडियो वायरल होती है। जैसे ही 100 बंदे देखें, 30 लाइक आ गई, तो तुरंत वो 200 लोगों को सजेस्ट करेगा। खुद टिकटॉक करता है, उनका मतलब कोई बंदा नहीं बैठा है, उनका सिस्टम ऐसा सेट है कि अपने आप वो आगे बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही आपके 60 लाइक हो गए, वो 400 लोगों के पास जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपकी वीडियो वायरल होती रहती है। अगर आप अपनी वीडियो खुद देखेंगे तो कभी ज़िंदगी में आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, या फिर कोई हेटर्स है आपकी वीडियो जानबूझ के बार बार देख रहा है तो भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो इससे बचा कैसे जाए दोस्तों, बहुत लोग होते हैं आपको कमेंट करते हैं, गंदा गंदा कमेंट कर देते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको फॉलो भी करे रहेंगे लेकिन आपकी वीडियो पे कमेंट करेंगे। तो इन लोगों को दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए, ना ही देखें और ना ही कोई कमेंट करें। अब बात करते हैं कि बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फैंस आ रहे हैं लेकिन मेरा जो है यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपने कोई कॉपीराइट डाला होगा, इस वजह से आपके फैन काउंट नहीं हो रहे हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ, मैंने उनको मेल भी किया था, सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं 8 वीक यहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं वायलेटिंग ये था, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ था मेरा वीडियो कुछ था जो कि वो वहाँ से खुद रिमूव कर दिया था। तो आपको ये मैसेज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों नहीं मिलता है, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं भेजते, मेरे पास भी नहीं भेजे थे, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैंने जैसे मेल किया मेरे पास ही आ गया। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको अपने प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ नीचे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है रिपोर्ट एंड प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको बताएगा। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको बताएगा भी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आपका बस ऐसे ही चलता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं, आपके प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं होगा, आपके टिकटॉक वायरल नहीं होगा। आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर अदर पे ही यूज़ करता हूँ तो मैं अदर पे ही करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहते हैं खुद लिखने का, तो मैं अदर पे जाता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी अदर पे जाऊँगा और यहाँ पे फिर से अदर पे कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सबमिट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम है, डिटेल अपना पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो का एक मार्क बन गया है, इस पर बीच पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों
तो यहाँ पे आप गैलरी से कोई फोटो ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई फोटो लगा लिए, आपकी जो प्रॉब्लम है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट लेने के बाद यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, गैलरी से जो भी है गैलरी में आपको पहुँचा देगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मेल डाल सकते हैं, कॉन्टेक्ट मेल। इसके बाद यहाँ से आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपका वहाँ पे मैसेज चला जाएगा, वो वहाँ से रिप्लाई करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो खुद ही बता देंगे आपके अकाउंट पे ये चीज़ प्रॉब्लम है। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम बता के अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत लोगों को टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में नहीं पता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप अपना मतलब पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के बजाय हिंदी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज का ऑप्शन है, लैंग्वेज पे आप जाएंगे और यहाँ पे हिंदी कर सकते हैं। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या रूल्स है, क्या क्या कंडीशन है, आपको वही फॉलो करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।